बात करें बीकानेर की तो बीकानेर में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अर्जुन राम जी अपने घर पहुंचे, जहां उनका तिलक लगाकर सम्मान किया गया और पुष्पमाला भी भेंट करी। जीत की बधाई देने के लिए बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि भाईसा, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, लूण घनसर सुमित गोदारा, राजस्थान कैबिनेट मंत्री और खाजूवाला विधायक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीत का सारा श्रेय मोदी जी और बीकानेर की जनता को दिया गया। जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत है और जनता की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यकर्ताओं के बल पे और जनता ने जो अर्जुन राम जी पे विश्वास जताया, चौथी बार इनको जीत लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। भारत माता की, भारत माता की। देखिए आज से हमारे लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि हमारे बीकानेर के सांसद और हमारे सबके अध्यक्ष राम जी जो चौथी बार हाईटेक की है इन्होंने और चौथी बार जीते हैं, इसलिए हम सब ने बहुत खुशी की है। और ये अर्जुन राम जी का ही बड़पना है कि ये सबसे मिलनसार है, मिलके रहते हैं, इसलिए जनता में इनकी अलग छवि है और जनता ने और कार्यकर्ताओं ने लगकर मेहनत की, उसी का परिणाम फल मिला है हमको। अब मैं भगवान से, हम सब कार्यकर्ता प्रार्थना करते हैं कि इनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बना करके बड़े होने पर भेजे, ताकि हमारे बीकानेर क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके और हम सब कार्यकर्ताओं को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जीत बहुत बड़ी है और आपका नारा छोटा, एक बार जोरदार नारा लगाए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जोश लग रहा है, आप सबकी मेहनत से, सभी कार्यकर्ताओं की दुआ से आज हमारे आदरणीय केंद्रीय कानून मंत्री और हमारे बीकानेर से लोग लाडले आदरणीय अर्जुन राम जी चौथी बार आप सबकी मेहनत से जीत करके आप सबके सामने खड़े हैं। और भाई साहब ने जैसे बताया, निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर जो नाम रोशन हमारे बीकानेर का किया है, इस बार बहुत बड़ा पद दे करके हमारे बीकानेर का मान बढ़ाया जाएगा। ये सब आप सबकी मेहनत से संभव हुआ है। हमारे विधानसभाओं से सभी कार्यकर्ताओं ने, एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचे, आप सबका पूरे दिल से आभार और धन्यवाद। और सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये मार्गदर्शन हम सबके साथ ऐसे ही बना रहे, लगातार बना रहे। बाद में बात करेंगे, थोड़ी बहुत बढ़ाओ ना। कैमरा साहब आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। एमएलए साहब बाकी, हाँ तारा सिंह जी, सिद्धि भाई साहब, कहाँ सिद्धि भाई साहब, हाँ सिद्धि भाई साहब, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाकी जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ, एक बार छोटा लगा है इसलिए उत्साह ज्यादा है, छोटे का उत्साह होता नहीं है। यहाँ उगने सुन भी आ गयो और जिता दियो, यही है विषय। आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया आज बीकानेर संसदीय क्षेत्र में, पार्टी ने मुझे चौथी बार टिकट दी, आपने आशीर्वाद दिया, इसलिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र से जो जीत मिली है वो मेरी नहीं है, वो आप सबकी जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है और मतदाताओं की जीत है। ठीक है, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी मंच पर हैं, दो दो मिनट, तीन तीन मिनट आप सबको संबोधित करेंगे। ये माला का काम अपन फेर के करेंगे, वैसे फेर के थोड़ा फेर के करेंगे, सब संबोधित करेंगे। उसके बाद जैसा हमारा लगातार कार्यक्रम होता है, देश में जाने का कार्यक्रम रहता है,
किस्मी देसल जाने का कार्यक्रम रहता है, सुजान देसल जाने का कार्यक्रम रहता है, पार्टी कार्यालय जाने का कार्यक्रम रहता है। और आज ही समाचार आया कि आपको कल दिल्ली आना है, तो 10:30 बजे वाली ट्रेन से मैं दिल्ली भी रवाना होने वाला हूँ। ये तो सूचना आपको दे रहे हैं। अब सबसे पहले सत्यप्रकाश जी कुछ संबोधित करेंगे इस चुनाव के थोड़े अनुभव और चौथी बार की जीत। लगातार आप इलेक्शन में गए तो हमारे आप ही हो, सत्यप्रकाश के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करोगे। और जितने भी मंच में हमारे मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी जो भी बैठे हैं ना, सबके लिए ताली बजाओ जोरदार। हमारे भूतपूर्व एमएलए भी दोनों आए हुए हैं अनुपगढ़ से, संतोष जी और शिमला जी, वो भी दो दो मिनट संबोधित करेंगे। तो पहले सत्यप्रकाश जी आप करो, यानी पहले आप करो भाई सर, ठीक है, मातृशक्ति के नाते भाई सर सबसे पहले बोलना चाह रही है, ठीक है ना भाई? कमागिनी साहब, मैं आप सगला ने बहुत बहुत बधाई दू, बहुत शुभकामनाएं दू, और बहुत अच्छी जीत हुई है, आज जीत आप लोगों ने है, बहुत अच्छो मंत्री पद ले सी और अपना बीकानेर विकास कर सी। आज अपन शिमला निवास है, आप शिकार वास्ते घने अरे कर कोड भी बात है कि अपर है बीकानेर में अंतु नाम जी ने माध्यम से चौको लगी है, आप रोज चौके की बात कहता और चौको लाइक जो मैं समझू आप बीकानेर में जी की जीत हुई है, बहुत ही ऐतिहासिक जीत है, मायने में कह सका कि अपर संभाग में एक मात्र सीट कोई निकली है तो वहां तो कार्यकर्ताओं ने आप सब लोगों ने ये बात आप मेहनत करी और विशेष रूप से अन्यथा कोई नहीं ले तो मैं शहर शहरी जी की शक्ति पे खड़ी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देऊ कि भैया लगभग 80,000 सीट शहर विधानसभा से अपने मिली है, बाकी सबों सहयोग रहे सिग्नल ने बहुत बहुत धन्यवाद। और आपा काम ना करा कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर बने निश्चित रूप से कि ये वास्ते शिवराज बहुत बहुत स्वागत करता था, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखिए आज हम सब लोग जो डेढ़ दो महीने से प्रयास कर रहे थे उसका आज नतीजा आया है, और हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल चौथी बार यहाँ पे यहाँ से प्रत्याशी जीते हैं लोकसभा के, बहुत ही खुशी की बात है, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीकानेर के लोकसभा के प्रत्याशी भाई अर्जुन राम जी मेघवाल जी जो हमारे बीच में 3 सालों से पीछे, 3 योजना से पीछे अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब चौथी बार जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के इनको दिल्ली भेजा है। और मैं तो यही कहूंगी कि एमपी साहब, ये जो आप जनता का जो कार्यकर्ता का जो आशीर्वाद आप देख रहे हो, इसी आशीर्वाद से आप मंत्री भी बनोगे, मंत्री बनकर के आप मोदी जी के साथ में मिलकर के अच्छी अच्छी योजना बना करके देश की सेवा करो, यही हमारी शुभकामनाएं है, और गरीब कल्याण के लिए सेवा करो, यही हमारी शुभकामनाएं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे सभी कार्यकर्ता, हम सभी का इतनी खुशी है कि चौथी बार हमारे अर्जुन राम साहब जो चौथी बार जीत कर और हमारे बीकानेर का बीकानेर वासियों का जो मान सम्मान बनाए भाषा का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और यही कहना चाहता हूँ कि कितना हमारे साथ है, जैसे सांसद कार्यकर्ता की तरह हर छोटे कार्यकर्ता में भाई रखने वाला फिर हमारे स्वर हमारे बीच में पहुंच गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।
वंदे वंदे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। माँ भारती के चरणों में नमन। लोग मारे और मान जी के कारण जो जब माँ भारती के चरणों में नमन पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता मतदाता सब भाजपा प्रेमी सभी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी बधाई है कि प्रसिद्ध नहीं आता और अर्जुन ने चौथी बार जिताया था तो सब लोग हैं काम और कभी भी सब लोग काम करें आप सब काम कर रहे हैं। चौथी बार जिताया है और फिर भी पहले बोले लोग कि आप जितनी मेहनत के बाद गया दौड़े जारी रखा है क्योंकि वो अर्जुन के सामने आई मैं कहता कि अर्जुन ने पासा मारा अपर मार सोना है तो अपने दोनों जोड़ दिखा दे सकते और मोदी जी के आवाज पहुंचाओ अर्जुन पूरे बीकानेर जिले में लोकसभा क्षेत्र में जोरदार बधाई जोरदार ताले और अर्जुन राम जी ने और बीजेपी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने जो 25वीं बार सरकार बना ली है और अर्जुन राम जी चौथी बार लगातार जीते हैं। अर्जुन राम जी का चौथी बार जीतना ये हमारे सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। प्रेरणा इसलिए कि चौथी बार जीते हैं, ये जीते इसलिए कि इन्होंने पिछले 15 साल में कोई जाति का और भेदभाव कोई धर्म का भेदभाव ना करके सबका साथ सबका विकास जब आपका किया तो जनता ने इनको चौथी बार जिताया। और आप ये देखिए हम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है कि मंत्री जी अर्जुन राम जी का जो प्रयास था उस प्रयास के कारण जब कभी कांग्रेस का गढ़ बीकानेर होता था उसमें लगातार 5वीं बार बीजेपी जीती, 4वीं बार अर्जुन राम जी जीते और 7 में से 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती माननीय मंत्री जी अर्जुन राम जी का आशीर्वाद। और सबसे बड़ी प्रेरणा माननीय मंत्री जी की जो आप और हम कार्यकर्ता आज यहाँ लेकर जाएंगे अर्जुन राम जी की 4वीं बार विजय से कभी काम के लिए ना नहीं करना पार्टी के लिए ना नहीं करना। आधी रात को पार्टी बुलाती है तो 70 साल में भी 20 साल के युवा की तरह दौड़ते जाते हैं चाहे कैरना बनाए चाहे खंडाल बनाए पार्टी के लिए हमेशा काम किया और पार्टी के लिए काम किया तो 200 रुपए की ताकत ने इनको लगातार 4वीं बार जिताया। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता पार्टी ने जो उनका कद बना है उत्तर भारत में पूरे भारत में बीजेपी के टॉप लीडरशिप में अर्जुन राम जी हमारे शामिल हो गए हैं इस बार और बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे। और माननीय भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार भगवान मंदिर की सरकार ने बीकानेर में ऐतिहासिक विकास कार्य कराएंगे जिस तरह 25,000 करोड़। तो जनता आ गई, फंक्शन अपना हो गया। ये जो जीत का अवसर है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अवसर। देखिए मैं संसदीय इतिहास को अगर खंगालू तो बड़ा मुश्किल होता है कि केंद्र सरकार को 10 साल तक लगातार रहे और तीसरी बार जीते इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इतना शानदार प्रयास किया कि हम तीसरी बार भी सरकार में आ गए। इसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्योंकि कुछ कार्यकर्ता मुझे पूछ रहे थे कि कुछ जीत का अंतर कम हुआ, मैंने कहा आसपास परिस्थितियां देखिए गंगानगर चूरू नागौर चूरू सीकर बाड़मेर उन परिस्थितियों के बीच में बीकानेर की जनता ने मुझे 4वीं बार जिता दिया, ये क्या कम
सकते हैं क्या? इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबका, बीकानेर की जनता का और बीकानेर संसदीय क्षेत्र के सब मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यहाँ से प्रसादी का कार्यक्रम होना भी, खाने का कार्यक्रम है क्या? है सर, तो वो सब लेके जाना। सुबह चले गई, ठीक है ठीक है।